हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो डाला था टीसीएस एनक्यूट रिजल्ट बिग अपडेट, रिजल्ट इज आउट, टीसीएस स्मार्ट हायरिंग 6 जून 2021। सो फ्रेंड्स देखिए, जिन लोगों ने 6 जून 2021 को टीसीएस एनक्यूट की एग्ज़ाम दी थी फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। फ्रेंड्स अगर आपको मेल आया है तो फिर फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड फ्रेंड्स अगर आपको मेल नहीं आया है तो प्लीज़ यहाँ पे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेल आया है या फिर नहीं आया है, आपने कब जून को एग्ज़ाम दी थी या फिर मई को एग्ज़ाम दी थी। सो फ्रेंड्स इज दैट क्लियर, देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स मेरा एक दोस्त है जिन्होंने बहुत सारे कमेंट किए थे, सो फ्रेंड्स देखिए उनका क्या क्वेश्चन था। सर आई डिडंट गेट एनी मेल अबाउट द रिजल्ट, आई एम अटेंडिंग द एग्जाम ऑन 6 जून। सो फ्रेंड्स देखिए, देन मैंने उनको कहा था कि आप TCS IN पे या फिर TCS NQT पे या फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाइए और लॉग इन कीजिए, वहाँ पे आपका रिजल्ट दिख जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए उन्होंने कहा, बट माई स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट शो बैच्ड, इट मीन्स आई एम नॉट एलिजिबल। सो फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपने TCS NQT की एग्ज़ाम दी है तो फ्रेंड्स आपको लॉग इन करना है। फ्रेंड्स अगर आपने लॉग इन किया तो फ्रेंड्स आपको देखना है कि आपका एप्लीकेशन बैच्ड दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। सो फ्रेंड्स आपको ये चेक करना है। और फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अगर आपने ये चेक किया तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो में कमेंट करके बताना है कि आपने TCS IN पे या फिर TCS NQT पे या फिर नेक्स्ट स्टेप पे लॉग इन कैसे किया, और लॉग इन करने के बाद आपको कितने कितने ऑप्शन दिखाए गए, और फिर आपने एप्लीकेशन कैसे फिल चेक किया। फ्रेंड्स इससे क्या होगा, जिन लोगों को अभी तक लॉगिंग करना नहीं आता है और एप्लीकेशन चेक करना नहीं आता है, उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा और फ्रेंड्स आपके नॉलेज भी शेयर हो जाएगा। फ्रेंड्स इससे क्या होगा, इससे हमारे आपस में कम्युनिकेशन बढ़ेगी, और फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, हम इससे स्ट्रेस एंड डिप्रेशन से भी ओवरकम हो सकते हैं। मीन्स फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने यहाँ पे बताया कि लॉगिंग कैसे करना है, कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, देन कैसे चेक करना है, इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे आपकी भी मदद हो जाएगी और जिन लोगों को नहीं आता है उनकी भी मदद हो जाएगी। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट करके बोलिए, मुझे अगर मालूम होगा तो मैं जरूर ही आपका आंसर दे दूंगा, और नहीं मालूम होगा तो इस तरह मैं वीडियो बनाऊंगा और आपसे ही राय मांगूंगा। सो फ्रेंड्स हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल।